मंत्रीवर, एक तो पहले से ही चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था की तलवार मेरे सर पर लटक रही है, ऊपर से ये महाशय इस बीमारी के साथ। हम कर भी क्या सकते हैं पंडित रामकृष्ण, अतिथियों की सूची जो है वो स्वयं महाराज ने बनाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। स्वागतम स्वागतम योगेंद्र राव जी, स्वागतम, आपका विजयनगर राज्य में स्वागत है। चुड़ा लूंगा, सब चुड़ा लूंगा। भैया हमारा मतलब कि संगीत के सारे सुर चुरा लूंगा। अच्छी अस्थाई अंतरा मुखरा सब चुरा लूंगा माँ सरस्वती के चरणों से। अय्या पान विद्वान कुलगुरु आचार्य तथा आचार्य हमारा स्वागत में स्वयं पधारे, आशीर्वाद। जीते रहो विजयी भव। उठो, प्रस्थान कीजिए, इन्हें इनके कक्ष में ले जाइए, जाइए और जरा ध्यान से हमारे प्रिय अतिथि देखा है। अरे क्या हुआ गुरुजी? हमारी खड़ाऊ क्या हुआ आपकी खड़ाऊ को? देखिए दूसरी कहाँ गई? नहीं है? अभी दोनों पहनी हुई थी जब वो हमारे चरण छू रहा था, उसने चरण छुए और खड़ाऊ गायब हो गई। ले गया वो दुष्ट, ये उसी का काम है। किसका गुरुजी? अरे वो गायक जोगिंदर राव का, उसी को तो चोरी की बीमारी है। शांत हो जाइए आचार्य, जैसा कि महामंत्री जी ने कहा कि अच्छी क्षमा करें कि वो पेशेवर चोर नहीं है, मिल जाएगी आपकी खड़ाऊ। चलने के लिए और भी लोग हैं। महान गायिका क्लारा का महाराज कृष्णदेव राय के राज्य में स्वागत है। हम यहाँ के महामंत्री आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। और ये हैंडसम कौन है? इतना चार्मिंग, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग। हम नहीं पता था कि आपने कंट्री में इतने ग्लॉसी और क्यूट लोग भी होते हैं। क्या नाम है इनका? हमारी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, बड़प्पन है ये तो आपका। वैसे हमें प्यार से तथाचार्य कहते हैं, लेकिन आप हमें दत्तू कह सकती हैं। बारे में बात कर रहे हैं। हाय, माय नेम इज क्लारा। और आप? सेवक को रामकृष्ण कहते हैं देवी जी। नहीं, देवी जी नहीं हूँ, माय नेम इज क्लारा। क्लारा क्लारा क्लारा, परंतु वो क्या है कि हमारे देश में हर स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, और आप तो एक स्त्री ही हैं, उस अनुसार आप हमारे लिए देवी हुई, और आप तो संगीत की देवी हैं, आपको देवी के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? इम्प्रेस्ड, अच्छा लगी आपसे मिलकर, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। धन्यवाद देवी जी। बलारा जी, क्लारा जी, आइए हम आपको आपके कष्ट तक छोड़ दें। मनी लक्ष्मी, ये सारे सामान इसको देना। सामान उठाओ और हमारे पीछा। अरे नहीं नहीं देवी जी,
ये सेवक नहीं है, ये हमारे आचार्य हैं, महाराज के कुलगुरु, दरबार के राजगुरु, महापंडित तथाचार्य। अच्छी, क्षमा करें। What? Seriously? इन्हीं हरकतों की वजह से तो हमारी नजरों में दो कौड़ी का सम्मान है इसका। अपने साथ साथ हमारी भी लुटिया तो बोल दी। अरे बहुत बड़ा लज्जा है इंसान है ये, कितना बड़ा लड़ना चाहिए। हमें एक आवश्यक कार्य याद आ गया है, हम चलते हैं। हाँ वो शेष जो मेहमान हैं उनका स्वागत आप कर लीजिएगा, पर हाँ हमारा अभिनंदन अवश्य दे दीजिएगा। गुरु तथाचार्य की, गुरु तथाचार्य की। शास्त्रीय संगीत का गौरव, सुरों का अतुल्य खजाना, गायकों की पूरी पीढ़ी सुर लगाने से पहले इन्हीं के नाम का स्मरण करती है। धन्य हो गई विजयनगर की धरती, जो आप जैसे महान कलाकार के चरण यहाँ पड़े। संगीत की देवी को मेरा शत शत नमन। देवी, आशा है यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। यात्रा तो केवल निमित्त मात्र है महोदय, वास्तविक सुख तो लक्ष्य में है। लक्ष्य है तो यात्रा का मोल है, लक्ष्य नहीं तो सब व्यर्थ है। अच्छी जी, सही कहा आपने देवी, बिल्कुल सही कहा। आप हमारी बात समझ भी रहे हैं या यूं ही सहमत हो रहे हैं? जो इतनी गहरी और महत्वपूर्ण बात ना समझे उसकी तो हानि ही हानि है। आपने बिल्कुल सही कहा देवी जी, लक्ष्यहीन यात्रा रेगिस्तान की मृत तृष्णा जैसी है, जिसकी खोज सबको होती है परंतु मिलते किसी को नहीं। और लक्ष्य निर्धारित यात्रा सागर के उस मोती जैसा है जो बड़ी ही कठिनाई से मिलता है परंतु होता बड़ा अनमोल है। तुम कौन हो युवक? ऐसी दार्शनिक सोच तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं की। नाम क्या है तुम्हारा? जी रामकृष्ण। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रामकृष्ण। सौभाग्य। अब यात्रा से आई हैं, थोड़ा विश्राम करें। अच्छी मतलब क्या इनकी बात का? यही कि उनके लिए यात्रा नहीं यहाँ आना महत्वपूर्ण है। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? कुछ जीव जंतु सीधे सीधे क्यों नहीं चलते? उनकी प्रवृत्ति। मंत्रीवर, आपके अनुसार तो 5 गणमान्य अतिथि कलाकार आने वाले थे, 4 तो आ गए, ये 5वे नहीं आए, वो कब तक पधारेंगे? अरे हमारे 5वे अतिथि का नाम सोमनाथ जी हैं। हाँ। उच्च कोटि के गायक हैं और बहुत बड़े सरोद वादक भी, बस आने ही चाहिए। क्षमा करें मंत्रीवर, परंतु अतिथि सोमनाथ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उनका कथन है कि उन्हें धनवानों के शाही चोचले बिल्कुल पसंद नहीं, उनकी दृष्टि में ये सब दिखावा है जिसका भावनात्मक स्तर पर कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो केवल आयोजन के दिन ही पधारेंगे और सीधे प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं मंत्रीवर, कलाकार होते ही ऐसे हैं, भावुक, संवेदनशील, कोमल, सहृदय। ठीक है, यदि कलाकार सोमनाथ यहाँ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, हम उनसे मिलने चलेंगे। मिलना तो होगा ही, क्योंकि चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए इस समारोह में सम्मिलित होने वाले हर एक व्यक्ति को जांचना परखना आवश्यक है। अच्छी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मुझे धनवानों से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो उनके ढिंढोरा पीटने से। ठीक है, ईश्वर ने तुम्हें धनवान बनाया, बनाया, उसमें इतना तमाशा क्यों, दिखावा क्यों? क्यों तुम ये दिखाते हो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास धन है, और जिनके पास धन नहीं है वो क्या इस संसार में व्यर्थ है? उनका कोई अस्तित्व नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा माननीय। अच्छी, यदि मैं गलत कहता तो तुम क्या गलत को सही और सही को गलत कर देते? अरे नहीं महोदय, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने भी वही कहा जो आपने कहा। आपका कहना ये है कि यदि आपने कुछ गलत कहा होता तो मैं क्या कर लेता, जिस पर मैंने ये कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो यदि हम दोनों ने ठीक कहा तो कहने को बाकी क्या रहा?
क्या रहा? कुछ भी नहीं। अच्छी क्षमा करें, केवल इतना कि मेरे साथ चलिए, आपके लिए कुछ नए वस्त्र ले लेते हैं। ऐसे उच्च कोटि के उत्कृष्ट कलाकार पर ऐसे फटे पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। देखा, तुम भी निकले ना उन्हीं घमंडी धनवानों की तरह, जो मनुष्य का मूल्य उनके वस्त्र और वेश से करते हैं। अच्छी नहीं नहीं श्रीमान, ऐसा अच्छी ऐसा नहीं है। ऐसा है, ऐसा ही है। यहाँ मनुष्य की प्रतिभा उसके मूल्यवान वस्त्रों से आंकी जाती है, उसके गुणों से नहीं। इसीलिए घृणा करता हूँ मैं तुम धनवानों से। क्षमा करें बंधुवर, सर्वप्रथम तो मैं कोई धनवान नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि धनवानों से घृणा करके आप स्वयं तो धनवान नहीं बन जाएंगे। अच्छी तो धनवानों से कुड़ने से या उन्हें कोसने के बजाय यदि स्वयं मेहनत और परिश्रम करके उनसे भी अधिक धनवान बना जाए तो ही वास्तविक रूप से पुरुषार्थ कहलाएगा ना। अच्छी ये वेदों और शास्त्रों की बातें हैं बंधुवर, वास्तविक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। यदि मूल्य है तो वो धनवानों का, उसके प्रभुत्व का है। ठीक है फिर आप ऐसा ही कीजिए, मत चलिए महल मेरे साथ, और ये प्रमाणित कर दीजिए कि निर्धन सदैव निर्धन ही रहेंगे। वो कभी भी धनवानों के समक्ष आकर अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर सकते। जीवन भर बस धनवानों से जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, परंतु स्वयं मेहनत परिश्रम करके धनवानों को अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं करेंगे। और यदि ऐसे ही लोगों को गरीब और निर्धन कहा जाता है तो क्षमा करें बंधुवर, क्या गलत कहा जाता है? वो तो इसी योग्य है, उसमें गलत क्या है? दरिद्रता उनके भाग्य में है, निर्धन थे और सदैव निर्धन रहेंगे। माँ लक्ष्मी भी केवल उन्हीं पर प्रसन्न होती है जो भाग्य की बैसाखी पर नहीं रेंगते, अपितु अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। अच्छी क्षमा कीजिएगा, चलता हूँ। इन नए वस्त्रों का क्या करें? महल में प्रवेश करने से पहले इन्हें बदलना तो पड़ेगा ना। अच्छी महाराज, श्रीमान मथुरा दास जी, लोकप्रिय राम भक्त गायक। बोलो प्रभु सियावर रामचंद्र जी की जय। ये अपनी राम भक्ति के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ में अपने सुरों से सबका मन मोह लेने के लिए भी जाने जाते हैं। माननीय योगेंद्र राव जी, महान संगीतज्ञ और कर्नाटक संगीत के महागायक, श्रीमान सोमनाथ जी, सुर और सास के सबसे बड़े धनवान कलाकार, हमारी विदेशी अतिथि कलाकार क्लारा देवी जी, पाश्चात्य संगीत का अपूर्व सौंदर्य सुप्रसिद्ध गायिका रूपा देवी जी, शास्त्रीय संगीत का गौरव, ये है महाराज द्वारा आमंत्रित वो दिग्गज कलाकार महाराज जो इस महायोजन का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आज स्वयं महाराज से एक औपचारिक भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अद्भुत, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी का अपने दरबार में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया अपितु यहाँ उपस्थित होकर आपने सांस्कृतिक महायोजन की शोभा बढ़ाई है, गरिमा बढ़ाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य कहे तो आप सभी महान संगीतकारों को अपने समक्ष देखकर हम महायोजन के दिन की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन कर रहा है कि आपके मधुर स्वर, आपके अनमोल सुरों को शीघ्र अति शीघ्र सुना जाए। तो हम आप सभी से एक अनुरोध करना चाहते हैं, यदि उपस्थित अतिथिगण को कोई आपत्ति ना हो तो हम अभी इसी समय आपके मधुर कंठ से थोड़ा कुछ सुनना चाहेंगे। आ, 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 आ,
देखिए महाराज, अब सुनिए आप सच्चे सुरों की सुंदर वर्षा, क्या गाती है हमारी विदेशी महिला कलाकार, क्या सुर, क्या आवाज, क्या मात्रा, क्या अलंकार, अद्भुत महाराज, अद्भुत। ये देख कैसे लपेटे लपेटे में घोड़ी मेले पर डोले डाल रहे बुड्ढा। छुहारे तो ठीक से चबाए नहीं जाते, अखरोट तोड़ने की बात कर रहा है इन दांतों से ही बुढ़ऊ। ऐसा सुंदर मुख, ऐसा मनमोहक चेहरा, ऐसा अकल्पनीय सौंदर्य और ऐसी प्रकाशमयी गोरी चिट्टी काया, ऐसी सौंदर्य देवी का कोई भी सुर इधर से उधर हो सकता है भला? इन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये केवल और केवल संगीत के लिए बनी है। आचार्य, पहले इन्हें सुर तो लगाने दीजिए, फिर कीजिएगा जितनी प्रशंसा करनी है कि नहीं? आरंभ कीजिए बला कलारा जी। I have a God. चले जा रहे हैं गुरुजी। कन्या को बचा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अरे गुरुजी, गोरी महिला को छींक मार रही है, बचाओ बचाओ दही चिल्ला रही, क्या हम निकल पड़े बचाने? हमें पता है वो क्या है ना महाराज, सर्दी लगी है इनको इसलिए गा नहीं पा रहे। अभिनय का क्या महाराज, आपने तो देखा ही, यहाँ हमारे सभी अतिथि कलाकारों का यही हाल, सबको सर्दी लगी हुई। यही तो आश्चर्य की बात है आचार्य वर, सभी गायकों को एक साथ सर्दी हो गई है। कैसे पंडित रामकृष्णा, आप इस विषय में कुछ? अच्छे ये क्या बताएंगे महाराज, सारे फसाद की जड़ तो यही है। हम कुछ समझे नहीं? हम समझाते हैं ना महाराज, सर्दी तो उन्हें लगी हुई थी, घर से लेकर निकले तो सर्दी, सुबह से छींक पर छींक पर छींक पर छींक। अच्छी, ये लीजिए एक और। अच्छी, अच्छी। अब इसी हालत में जाकर खड़े हो गए महल के द्वार पर अतिथियों के स्वागत के लिए। इनकी हालत देखकर हमने इनसे कहा कि आप जाइए जाकर विश्राम कर लीजिए, हम कर लेंगे ना अतिथियों का स्वागत। लेकिन कहां सुनने वाले थे, कहने लगे कि ना अतिथियों का स्वागत तो हम ही करेंगे। अब उसका परिणाम देख लीजिए आप महाराज, लगा दी अपनी भयानक सर्दी सभी बेचारे कोमल कलाकारों को। अच्छी। अब प्रश्न ये है कि ये सभी गायक अपनी प्रतिस्पर्धा में अपना प्रदर्शन कैसे दिखाएंगे? उससे बड़ा प्रश्न तो ये है महाराज कि महायोजन प्रबंध का क्या होगा, और उससे भी बड़ा प्रश्न तो ये है कि चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा। ऐसे करेंगे ये महाशय महायोजन का प्रबंध, ऐसे छींकते छींकते नाक पहुंचते पहुंचते। महाराज, आचार्य ने तो मेरे साधारण से जुकाम का प्रचंड प्रलय बना डाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज, अभी आयोजन में समय है, सब कुछ समय पर होगा और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा महाराज चाहते हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि महायोजन में कोई विघ्न नहीं आएगा? वचन दिया है महाराज, अब तो चाहे मृत्यु आए या सच में प्रलय, आयोजन की गरिमा पर आंच नहीं आएगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है, किंतु स्मरण रहे कि महायोजन केवल हमारा नहीं पूरे विजयनगर राज्य का आत्मसम्मान है। तो प्रश्न केवल हमारा नहीं है, हमारे राज्य की गरिमा का है। यदि इसमें कोई भी विघ्न आया या कोई रुकावट आई तो हम सह नहीं पाएंगे।